अलमेक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आ, पिछले आठ महीने से जो है हमारा ये प्रजा दरबार चल रहा है जिसमें हम आ, लोगों का जो है अपील डालते हैं बस केसेस में हम वीडियो बनाकर उनका क्या है वो पूरा अपील डालते हैं और उनका गूगल पे नंबर देते तो मुसलसिल ये प्रजा दरबार जो है एक ना एक साजिश का शिकार होते आ रहा है लेकिन हम जो है हर साजिश को हम आ, फेस करते आ रहे हैं पहले तो वो नंबरों पे जो है गंदे गंदे मैसेजा भेजने लगे फिर उसके बाद में जो है फ़ोटोज़ भेजने लगे रातों को फ़ोन करके खुतिन को ख़ासतौर बेवा या कोई कैंसर पेशेंट्स है तो हम उनको पकड़े पकड़ के दो चार के ख़िलाफ़ में पुलिस केसेस बुक करे तो वो मसला बंद हो गया लेकिन पिछले छः दिन से जो है मुसलसिल हमारे हर प्रजा दरबार के केस पे एक फ़ोन आ रहा ये बोल रहा है कि मैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ और उसमें जो है एक आर्मी के ड्रेस में फ़ोटो लगा लेके है व्हाट्सअप उसके प्रोफाइल में बाज़ोखत जो है व्हाट्सअप पे बात कर रहा खाली या बाज़ोत जो है इंटरनेट के नंबर से बात कर रहा तो उनको बात करके ये बोल रहा है कि आप जो है मैं एक लिंक भेज रहा हूँ आप उसको क्लिक करो या नहीं तो आपके पेटीएम खोलो या आपका फ़ोन गूगल पे खोलो मैं जैसा बोले वैसा करो तो जो लोग अनपढ़ है जो लोग जिनको मालूम नहीं है वो लोग बटना दबा रहे हैं इनके अकाउंट से जो है उसके अकाउंट में पैसे चले जा रहे हैं उसके बाद में ये हो रहा कि वो नंबर मिला है तो फिर वो नंबर लग रहा नहीं वो ना तो व्हाट्सअप कॉलिंग लग रही ना तो वो इंटरनेट का तो सवाल ही नहीं है लगने का तो ये तीन दिन में तीन केसेस मेरे सामने आए ये जो है हमारे नसरीन बेगम है ये राजिंदर नगर के रहने वाले हैं इनका बच्चा जो है माजूर है दिमाग छोटा है बच्चे का तो मेरे पास आए थे तो मैं आठ दिन पहले इनकी अपील डाला तो इनको कल फ़ोन किया फ़ोन करके ये बोला कि आप जो है अकाउंट में दस हज़ार रुपये डालो ये बेचारे समझे नहीं क्या किस्सा है तुम्हारे अकाउंट में दस हज़ार रहे तो मैं दस हज़ार डालता हूँ बोला तो इन्हू जाके अपने पड़ोसी से दस हज़ार रुपये लिए ले लेके जो है अपने अकाउंट में डाले डालने के बाद में इनको गूगल पे पे तुम ये बटन दबाओ तुम ये बटन दबाओ बोला इन्हों अपना पिन नंबर उसको बोल दिए उन्हें इनके पैसे जो है इनके अकाउंट से उनके अकाउंट में चले गया आज जो है ईदी बाज़ार में हम एक केस डाले थे बेवा औरत का उनके बच्चियों के फीस बनने के लिए तो उनको भी ऐसे ही फ़ोन किया मैं आर्मी का हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ हमारा आर्मी का फ़ंड है हम वो फ़ंड से जो है बेवाओं को मदद करते बोल के उनकी छोटी बेटी जो है अपनी बड़ी बहन को पिन नंबर बोल रही ने बाजुक से फ़ोन पे सुन के जो है उनके तीन हज़ार रुपये निकाल लिया आज से कुछ दिन पहले जो है चंचरगोड़ा नई रोड पे एक फीस के लिए हम अपील डाले थे उनसे भी ऐसी छः हज़ार रुपये खा लिया तो ये जो आर्मी के है बोल के जो फ्रॉड कर रहे हैं ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है ये कई सालों से चलते आ रहा है और हैदराबाद के सीसीएस में कई लोगों के ऊपर केसेस है लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे हैं हम इसको पकड़ नहीं सक रहे हैं ये झारखंड के बिहार के कई लोग हैं ये बैठ के जो है ऐसे फ़्रॉड केसेस कर रहे हैं राजस्थान के हैं ये लोग आपको मालूम होगा कि जो कई लोग जो है ओल में मेरी गाड़ी बिकरी रही मैं यहाँ डिफेंस में नौकरी कर रहा था कंचनबाग में मैं संतोष नगर पर रहता हूँ बोल के गाड़ी की फ़ोटो डाल के कई लोगों को ठगे ये लोग जिसके सी में केसेस भी बुक है लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सक रही क्योंकि वो झारखंड के लोग हैं यहाँ से जाके पुलिस उनको पकड़ के ला नहीं सक रही और वहाँ की पुलिस हमारे हैदराबाद पुलिस को कॉपरेट नहीं कर रही ये ये पिछले तीन साल से चलते आ रहा है लेकिन अब हमारे प्रजा दरबार के केसेस को उन्हें टारगेट कर रहा जितने भी हम प्रजा दरबार के केसेस में अपील डाले हैं अगर ऐसा फ़ोन आएगा कि मैं फ़ौज का हूँ बोले तो उसको गालियाँ दे रख डालो फ़ोन उन्हें कोई फ़ौज वौज का नहीं है उन्हें जो है फ़्रॉड है झारखंड का नंबर आ रहा है ये दूसरा अगर उन्हें बोला कोई लिंक में भेजता हूँ अपील का क्लिक करो बोल तो आप कोई लिंक क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है तीसरी चीज़ अगर उन्हें ये बोला कि आपके आधार कार्ड भेजिए आपका क्योंकि जो भी साहिब खैर हजरा है वो कोई फ़ोन नहीं करते वो लोग हम आपका गूगल पे नंबर इसलिए दे रहे हैं कि कोई गूगल पे करो बोल के तो ये ज़रा फ्रॉड से होशियार रही है ये हमारे नसरीन बेगम है क्या आपका नाम क्या है बोलिए नसरीन बेगम है कहाँ रहते हैं आप मैं राजेंद्र नगर पे रहे आप मेरे कहने किस लिए आए थे बच्चे के लिए आए थे हम लोग क्या हुआ आपके साथ बोलिए बच्चे छोटे बच्चे के लिए आई थी मैं आने के बाद आठ दिन के बाद आठ दिन से फ़ोन आ रहा था कल फ़ोन करके दस हज़ार रुपये डालो मैं आपके अकाउंट में दस हज़ार डालता हूँ दस हज़ार रहे तो दस हज़ार आते बोले तो मैं डाली बाजू वालों से ला के डाली फिर उसके बाद फ़ोन बंद कर लिया उन्हें उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा और व्हाट्सएप पे भी कॉल कर रहे तो नहीं उठा रहा हूँ नहीं अम्मा आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे कैसा गए जरा वो पूरा डिटेल बोलो पूरे आधार कार्डों का और बैंक का अकाउंट का पूरा आई कोड पूरा लिया उन्हें पे पूरा लेके हम लोगों के फ़ोन से ट्रांसफ़र कर लिया उन्हें नहीं नहीं आपका अकाउंट वो देखिए अगर आप अकाउंट भी मारे तो अकाउंट में जो है आपको मैसेज में, में, में पासवर्ड आता आप पासवर्ड भी बोल दिए उसको उन्हें गूगल पे से ट्रैप करा फोन पे से लिया या आपके अकाउंट से पैसे लिया पैसे लिया मैं पहले एक रुपया डाल रहा हूँ देखो आप आते क्या उसके बाद क्या सु ज़्यादा पैसे आते देखो बोल के बोला तो हम लोग देखे तो एक रुपया आए बोल के हाँ ओके ये दबाते जाओ ये दबाते जाओ बुला के दस हज़ार रुपये ले लिया उन्होंने फ़ोन पे से आपके फ़ोन पे से उसके फ़ोन पे दस हज़ार रुपये चले गए आप कहीं को दबाए हो बटन आप पूरे उन्हें दबाओ बोला दबाई तो छोटा बोल के बोले तो हम दबा दिए नहीं आप मेरे से कहीं को नहीं पूछे फ़ोन करने से पहले हरकत करने से पहले आपका फ़ोन नहीं लग रहा था सर ऐसा कैसा नहीं लगता हम दिन भर यहाँ पर लोगों से तो ऐसे भोले भाले औरतों को उन्हें ट्रैप कर रहा अभी थोड़ी देर पहले मैं ईदी बाजार से भी एक फ़ोन आया उनके भी साथ ही है पे पर कर रहा उन्हें अच्छा आप जब उसका व्हाट्सअप वो नंबर पे देखे तो उन्हें फ़ौजी के एड्रेस में बैठा हुआ है उन्हें जी जी फौजी के एड्रेस में बैठे हुआ है फ़ौजी की फ़ोटो लगी हुई है उसके कब उसके वो फोन पे पे या गूगल पे या व्हाट्सएप पे किस पे है फ़ौजी की फोटो पे, पे है फ़ौजी की फ़ोटो उसकी उसकी फ़ोटो आप मेरे को भिजाइए तो बहरहाल ये हो रहा है तमाम प्रजा दरबार के जितने भी अप्लीकेंट्स हैं हम जिनकी अपील डाले हैं बर करम मेहरबानी कोई भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई लिंक को मत क्लिक करिए कोई फ़ौजी बोल के आया तो उसका फ़ोन रिसीव मत करिए उसका गालियाँ दे के रखो उसको फ़ोन और तीसरी चीज़ जो है साहिब खैर हज़रा जितने भी है हमारे कोई फ़ोन नहीं करता अगर आपको फ़ोन आ रहा तो यह समझो फ़्रॉड है या आपको तकलीफ़ देने को फ़ोन आ रहा आप फ़ोन को, कोई कोई फ़ोन को आप रिस्पॉन्ड मत करिए जरा भी डाउट आया तो उसको ब्लैक में डाल दीजिए तो बहरहाल होशियार रहिए है ये परजा दरबार में कई ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रही मैं गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग आपको पैसे भेज रहे हैं बहुत मेहनत का पैसा है पाँच डिग्री सेंटीग्रेड में घुटनों तक बर्फ़ रख के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा से या सऊदी की 48 एट डिग्री सेंटीग्रेड धूप में काम करके आपके लिए मदद कर रहे हैं वो लोग तो बर करम ऐसे दीवाने हरकतें करके ऐसी बेवकूफ़ी हरकत करके लालच में आके आप लोग ऐसी हरकत मत करिए ताकि वो उन मेहनत का पैसा जो आपको भेजे वो पैसे पर आपको प्रॉब्लम आए शुक्रिया यार जिंदा सोबत बाकी